हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी ने हमको दिया है सरप्राइज अक्षय भैया की हेल्प के साथ। क्योंकि मम्मी, जैसे आपको पता है, मम्मी और लास्ट टाइम आए थे आम लेके, तो अब की बार थोड़ा दीपक ने मना कर दिया कि अब की बार मत आओ क्योंकि हम लोग दिवाली पे जा रहे हैं। तो मम्मी ने अक्षय से कॉन्टेक्ट किया और अपनी टिकट करवा ली। और आज है चौहान साहब का जन्मदिन, 6 बज गए और मम्मी ने आके हम सबको सरप्राइज कर दिया। हाय, मैंने तेरे पापा को बोला, मैं कहा मुझे जाना है वहाँ पे, चले जाओ, मैंने टिकट करवा दो। बोला करवा देते हैं। वो गांव में चले गए। फिर मैंने इस अक्षय से फोन किया तो अक्षय बोला आंटी जी मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर मैं 25 तारीख में अपना ट्रेन में करनाल से ट्रेन में आई दिल्ली, दिल्ली से फिर अपने यहाँ डायरेक्ट बैठी। और यहाँ से अक्षय भैया लेके आए आपको? अक्षय भैया लेके आई आपको? हाँ। अपने फोन करा था भैया के पास? नहीं, और इसी ने फोन कराया मेरे पास। ये कह रहा था, बोला 5:30 बजे पहुँचेगी आंटी जी। तो ये तो 5 से पहले ही पहुँच गई, 5:30 से। बढ़िया। हाँ, तो फिर ये बोला आंटी जी मैं आ गया हूँ स्टेशन पर, आप आ जाओ। मगर ठीक है, वो मैं कैप्चर इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि जैसे भैया ने बेल की तो उस टाइम 6 बजे का टाइम था और हम सो के उठे ही थे, तो हमने लगा शायद भैया इशू और विश करने के लिए आए होंगे। और बस ऐसे रैंडमली मैंने दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोल कर देखा तो सामने हमारे आम रखे हुए थे, मम्मी के बैग थे, फिर मम्मी ने हमें सरप्राइज दिया। और ये सरप्राइज वाकई में हमें बहुत अच्छा लगा, एंड स्पेशली थैंक्स टू अक्षय भैया। तो बना लियो कुछ नहीं अपना। ये देखो, आते ही हमारा काम स्टार्ट हो गया है, आपको साफ करके रखने वाला। और क्या, ये डब्बा बड़ा था, वो छोटा था डब्बा। लेके आई मम्मी? गेमर है, लोज है। ओके, मम्मी ने अपना बैग खोल लिया। झलक के लिए क्या कुछ आया? झलक के लिए भी है। झलक जल्दी आओ, माँ ने अपना बैग खोल रखा है। देखो क्या क्या लेके आई है माँ आपके लिए। हमारे लिए तो घेवर आया। मम्मी आई थी कॉटन का सून डाल के और यहाँ आते ही मम्मी ने डाली जैकेट। आप अनुमान लगा सकते हो अब यहाँ के मौसम का, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं पार्क के लिए। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है बेटा। आपसे अच्छा हमें लगा, आपने हमें आके सरप्राइज दिया। मैं बच्चों से मिल गई अपने। हाँ, और वैसे भी आज आपके लाडले का जन्मदिन है। लाडला, उससे ज्यादा लाडली तू है। थैंक यू सो मच माता, थैंक यू। अभी हल्की हल्की सी बारिश आ रही है लेकिन फिर भी हम टाइमली पहुंच गए हैं पार्क में। झलक हमसे आगे है और ये दोनों माँ बेटा इधर वॉकिंग करते घूम रहे हैं। आज मम्मी ने प्रॉमिस किया है कि मम्मी दीपक चौहान को बढ़िया से गिफ्ट दिलाएंगी। बोल रही है कि मैं वहाँ से दिलवाऊंगी गोल्ड का कुछ भी। मम्मी के पास इतना अमाउंट जमा हो रखा है, क्या कहते हैं मम्मी? हाँ, नहीं भरी। मम्मी कहती है कि जन्मदिन उनका गिफ्ट दे रही होगा राखी। मम्मी ने दिया मुझे कैश मेरे सिंधारे के नाम का, सो थैंक यू माता। बिहाइंड द कैमरा हमने कर लिया अपने घर के बहुत सारे काम, जैसे कि झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन। और अभी मेरा और मम्मी का तो हो चुका है ब्रेकफास्ट। झलक अभी सो रही है, वो पार्क से आने के बाद थोड़ा सा खेली, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी तो वो अपना आराम से सो गई है। मैंने उसको उठाया भी नहीं क्योंकि आज का जो हमारा दिन है वो थोड़ा ज्यादा बिजी रहेगा। यहाँ पर मम्मी को समझाया जा रहा है क्योंकि मम्मी है दिल्ली से बेंगलोर तो आ जाते हैं, और मम्मी बेंगलोर से दिल्ली भी चले जाएंगे बट दिल्ली से करनाल नहीं जा सकते। कहाँ जा रहे हो? शॉपिंग करने जा रहे हैं, पूजा का सामान लेके आएंगे। ओके, और झलक आपको कैसा लगा आपकी माँ आई है आपसे मिलने के लिए? अभी आ गए हैं घर और घर आने के बाद कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी क्योंकि टाइम 2 बज चुके हैं और पंडित जी का आने का टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया 4 बजे का है। तो तब तक अपने घर का जो भी काम है खाने वाला वो कर लेते हैं पहले। जैसे कि अभी आपको बताया था कि लग गए हैं किचन के काम में और अभी मैं बना रही हूँ हलवा। और इधर मैंने ये हलवे के लिए पानी गर्म कर लिया है, इसमें मैंने ऐड किया केसर और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी सब्जी आलू की। तो अभी दीपक और मम्मी और झलक ये तीनों मार्केट में गए हुए हैं सारा सामान लेके आने के लिए, जो भी रहता है हमारा पेंडिंग सामान पूजा से रिलेटेड। बस अपना फिर पंडित जी के आने का टाइम हो ही जाएगा। अब सब्जी बनने की बारी है, हलवा बन चुका है
और अगर मैं साइड में दिखाऊं तो मम्मी और झलक क्या कर रहे हैं, झलक ने डाला हुआ आज अपना ये कृष्ण वाला सेट क्योंकि पूजा में अच्छा लगता है। और इनिया बनी हुई है राधा, और इधर मम्मी छील रही है आलू। अभी मम्मी तो रेडी हो गई है बट मैं नहीं हुई हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया कि झलक और मम्मी सब रेडी हो गए हैं, बस मैं और दीपक रहते हैं। दीपक अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और मैं किचन में काम कर रही हूँ। थोड़ा हो गया, थोड़ा रहता है। रेडी हो गई हूँ, बस बालों में फूल लगाने रहते हैं। और तनु और शिवम भैया भी आ गए हैं बाहर का मैं दिखाऊँ। पंडित जी भी आ गए हैं, एक बार दिखा देती हूँ। ये बच्चा पार्टी यहाँ खेल रही है, और इधर पंडित जी अपनी कैरी में लग गए हैं। मम्मी बना रही है पंचामृत, शहद मिल गया। हाँ ठीक है, आज मैं अक्षत कुल दे दीजिएगा, आप अपने कुल देवी देवता को ध्यान कर लेंगे। ओम सर्व मंगल मंगल्य शिव सर्व हर साधके शरण्य त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोस्तुते। कुल देवी देवताभ्यो नमः, आवाहयामि स्थापयामि बोधयामि नमस्कारोमि। बैठे बैठे भगवान सूर्य भगवान को ध्यान कर लेंगे। राम क्षेत्रे अस्मिन् वर्तमानेन चन्द्रमानेन प्रभवादी संवत्सरे श्री क्रोधी नाम संवत्सरे धूमा ग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि दीपं हृदयस्थं प्रक्षालनं क्रियेताय गोविन्दाय नमो नमः। ओम हरे ओम महाधोरधिधोर्पधोर्बन्धन्धोर्परञ्जो ये देखते हैं यहाँ पर दोनों लगी हुई है पूरियां बनाने में, और मम्मी ने समझा रही है कैसे बनानी है कैसे नहीं। आज शिवम से बनवा लेते हैं चाय यार। मैं तो फिर वो कहा आता हूँ। दो पिजन घाट कप बनेंगे। हैं? दो कप पिजन घाट कप बनेंगे। झलक पापा को केक खिलाओ। सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे मुझे। अरे आप तो अपने आप खाएंगे। पता क्या है, कोई बड़ी बोली आती है देख यार ये काम ना कर। ये वैसे खबर आ रहा है पापा मार कर जाएगा। अरे खाले बता पापा का निंदा के रूप में पहले तो आते थे दूर हो गए दूर से हो गए। बाय बाय।